ये कमीज ना रख दे अम्मा जी। हाँ हाँ रख दे, और ये तौलिया ना ये भी रख दो ये अम्मा जी। ये नाच गाने की आवाज सुनते ना कलेजे पे सांप लौट रहे हमारे, भरोसे के लायक नहीं है ये मुंबई वाले, सबने मिलकर हमारे मुन्ना को फंसा लिया। और ये निशा की बच्ची, दो मुहे नौगिन, इतने नोट ठूसे हमने उसके मुंह में, फिर भी पलट के हमें टस लिया उसने। जब तक इसको सबक नहीं सिखाएंगे ना हमें चैन नहीं आएगा। ये तो मुन्ना की लिखावट है, इसी तारीख को तो मुंबई गया था। नॉस्टैल्जिक मुंबई, हमसे हमारा मुन्ना छीन गया। सारे फसाद की जड़ ये मुंबई है। अम्मा, अम्मा, हाँ, अम्मा चलिए, दादी जी बुला रही हैं आपको। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? सब पूछ रहे हैं आपके लिए। चलिए आइए। मुन्ना उन्हें कहो कि हम आ रहे हैं। तुम्हारे कपड़े जमा रहे हैं, बस हो गया। अच्छा अम्मा, इसको भी पैक कर देना। और हाँ, इसको भी पैक कर दीजिए। ये क्यों मुन्ना? हमारे कमरे में लगवाने के लिए। हम गौरी जी के साथ वापस जाएंगे, उससे पहले वेणु लगवा देगा। ये फोटो हमारे साथ होगी तो आपके साथ होने का एहसास होगा। चलिए अब जल्दी आइए। हाँ सच में अम्मा जी, ये मुंबई वाली ने तो पराये कर दिया बिल्कुल हमारे शिव भैया को। मतलब पहली बार जब वो मुंबई गए थे उनकी आंखों में आंसू थे, और आज देखिए उन्हीं आंखों में कितनी चमक है। सच कहते हैं अम्मा जी, मम्मी जी की कसम, हमारा दिल तो ना खून के आंसू रोता है आपके लिए। मतलब बेटी से जुदाई की तकलीफ जो गौरी के माँ बाप को होनी चाहिए वो तो आपको हो रही है। अजीब शादी है ये, यहाँ विदाई गौरी की नहीं शिव भैया की हो रही है। उनके तो मजे हैं, उनकी बेटी तो शादी के बाद भी उनके साथ ही रहने वाली है। गौरी को शिव पसंद है ना, और वही रहने वाला है। बेटी का संसार अपनी आंखों के सामने ही होगा, और हमेशा की तरह पहला निवाला उसे खिलाकर ही खाना खाएंगे। बस इसी आस में सब कुछ चल रहा है। क्यों अम्मा जी, इन मुंबई वालों से सब कुछ हार गए हम, लेकिन अपने मुन्ना को नहीं हारेंगे। लेकिन अब तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तैयारियां होने से क्या होता है बहू, अभी तक कन्यादान नहीं हुआ है। अब हम जो करने वाले हैं ना, उसके बाद गौरी के बाबा खुद ये शादी रोकेंगे। लो गौरी। हाँ। असद लो ना। आता काय करायचे? आता पण ड्राय स्टफिंग दुसरं। काय करणार आपण? आपण ह्याच्यात मेयोनीज न टाकता बाकीचे सगळे साहित्य टाकायचे। अच्छा, ये सगळं। रितू, माझा तर विश्वासच बसत नाहीये। म्हणजे अगं, बहिणी आमचं लग्न व्हावं म्हणून किती प्रयत्न करत होते, आणि ते सगळं करताना ती शिवच्या आम्हाला माहिती पुरवते। नाही, मला नाही वाटत। गौरी, खूप चांगली आहेस तू, म्हणून तुला सगळं जगच चांगलं दिसतं। पण शिव उगाच बोलला असेल का? त्याच्यावर विश्वास नाहीये का तुझा? शिववर पूर्ण विश्वास आहे मी तुम्हाला, पण तो आता हे जे काही करतोय ना, म्हणजे निशा बहिणीसमोर त्या राधिका सोबत फिरण्याचं नाटक वगैरे, ते त्याचा काही उपयोग होणार नाहीये। अगं असं कसं म्हणतो? अगं नीलिमा, जतीन भाईंचा कॉल आहे। हो माहिती, रिसीव कर ना। अगं
बघ कट झाला. आता तू रिसीव केला नाहीस म्हणून ते माला करतील. अबर पुन्हा आला बघ घे बघू. हे एक ना एक दिवस घडणारच होत. आता मला कळलं तुम्ही 2 दिवस झाले काय सांगत होता ते. बनू हे संकेत असतात आणि हे ठरवून येत नसतात. बाहेर तुमची वाट बघते.